हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो ब्राउन सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं एग्जांपल वो चल रहे थे, ठीक है। तो 8.1, 8.2 एंड 8.3 थ्री एग्जांपल्स आर कंप्लीटेड फ्रॉम राउल सर इन माय लास्ट वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं, ठीक है, आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स टॉपिक्स, ठीक है, एट एनी आंसर, सो यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द एग्जाम्पल 8.4। एग्जाम्पल 8.4 पर चलते हैं और बात करते हैं। एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 8.4 आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल है। स्टार्टिंग फ्रॉम में लिखिएगा स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग फ्रॉम आ स्टेशनरी, STATIONARY, क्या है स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आ स्टेशनरी पोजिशन, स्टेशनरी पोजिशन, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, राहुल, ठीक है, पेडल्स, ठीक है, पोजिशन के बाद कॉमा लगे, राहुल पेडल्स द बाइसिकल, ठीक है, PADDLES पेडल्स, ठीक है, बाइसिकल BICYCLE, ठीक है, राहुल बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी, टू अटेन अ वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अटेन करता है वो इन 30 सेकेंड्स, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। आगे देखिए, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, ठीक है, देन ही अप्लाइज APPLIES अप्लाइज ब्रेक्स BREAKS, ठीक है, वो अप्लाई करता है ब्रेक, ठीक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक, इज दैट क्लियर, then he applies brakes, ठीक है, such that the आगे लिखिएगा velocity of bicycle such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, इन द नेक्स्ट, ठीक है, कितने सेकेंड की बात हो रही है, 5 सेकेंड की, ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, यानी कि बाइसिकल की जो वेलोसिटी है वो कम डाउन हो जाती है नेक्स्ट 5 सेकेंड में। आगे कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल, कैलकुलेट, ठीक है, द एक्सेलरेशन, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ किसका, बाइसिकल का, बाइसिकल का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, इन बोथ केसेस CASES, ठीक है, दोनों केसों की बात हो रही है, मतलब इसमें बताया गया है कि राहुल जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन से चलता है और पैडल लगाता है, ठीक है, उसकी बाइसिकल जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में होती है, बाद में ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगले जो नेक्स्ट 5 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, वो कैलकुलेट करवा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो आंसर पे चलते हैं, ठीक है, दोनों केसों की बात करता हूं मैं यहाँ पे, पहले फर्स्ट केस को लेते हैं, तो लिखिएगा इन फर्स्ट केस में बात करें हम, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे को ये बताइए, ये एक होम बना दिया मैंने, ठीक है ये इसका मेन रास्ता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया होम राहुल का, ठीक है, ये होम है, ठीक है, इसको दे दिया पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए पर राहुल का घर है, ठीक है, यहां पर लिख दिया राहुल्स होम, ठीक है,
यहां से वो राहुल चलता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने घर से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी कॉमन सी बात है जीरो होगी, क्योंकि वो घर से ही तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है, बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। आया सब समझ में? यानी कि जहां से वो चलाए, स्टार्टिंग पोजीशन उसकी घर है चाहे स्कूल है कुछ भी है, शॉप हो मार्केट हो, तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसमें लिखिएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखिएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, वी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। टाइम लिखिएगा, टाइम स्मॉल टी इक्वल टू कितना सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स इसने दे रखा है। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। वी कितना है, 6 माइनस u 0 अपॉन t 30, तो 6 अपॉन 30 यानी कि 1 अपॉन 5, इज दैट क्लियर, यानी कि 0.2 कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड, इज दैट क्लियर। ये तो आपका आया फर्स्ट केस में, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल है, इसको इसकी वैल्यू रख दी, ये आ गया फर्स्ट केस में। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड केस की बात करेंगे, ठीक है। इन सेकेंड केस की बात करेंगे, सेकेंड केस के लिए उसकी अब ध्यान रखना, सेकेंड केस में क्या होगा, जब मेरे को ये बताइए वो स्टार्टिंग से चलता है ए पॉइंट से, तो यहां पर तो यू इक्वल टू 0 दे दिया, बाद में बी पॉइंट पर पहुंचते उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो मेरे को ये बताओ, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है, वो बी पॉइंट पर ब्रेक अप्लाई करता है, कौन से पॉइंट पर करता है, वो बी पॉइंट पर वो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, इज दैट क्लियर। कौन से पॉइंट पर कर रहा है, वो बी पॉइंट पर वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पर वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। तो होगा क्या, उसकी बी पॉइंट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, ए पॉइंट से चला स्टार्टिंग में तो यू इक्वल टू 0, बी पॉइंट पर वो पहुंच गया, अब बी पॉइंट पर जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर होगी वो सी पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि जो वी इक्वल टू 6 है फाइनल वेलोसिटी ए टू बी के लिए, तो बी टू सी के लिए वो बी इक्वल टू 6 क्या बन जाएगी, यू इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर। तो सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में लिखिएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, इज दैट क्लियर, 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी उसने दे ही रखी है, फाइनल वेलोसिटी उसने दी हुई है, v इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम उसने दिया हुआ है, t इक्वल टू कितना हो जाता है, नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। अप्लाई करो एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन ए डबल सी एल ई आर ए टी आई, सो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फॉर्मूला है बी माइनस यू अपॉन टी, इज दैट क्लियर, बी माइनस यू अपॉन टी अप्लाई करो, 4 माइनस 6 अपॉन 5 यानी कि माइनस के 2 अपॉन 5, इज दैट क्लियर, यही आया। तो कितना हो गया, माइनस के 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब जहां पर माइनस लग जाए, ध्यान रखना एक्सेलरेशन के केस में जहां माइनस लग गया तो वो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन के केस में जहां माइनस आ जाए तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता, वो हो गया ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो वो क्या लगेगा, रिटार्डेशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट केस में तो ये इतना हो गया, सेकेंड केस में तो नीचे लिखे इन, ठीक है, नीचे लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल, ठीक है, नीचे लिख सकते हो द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ बाइसिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल कितना हो जाएगा इन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में कितना होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इन सेकेंड केस में कितना हो जाएगा,
माइनस के 0.4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? आया समझ में? ठीक है, एक सेकेंड, एक मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। लिखिएगा ए ट्रेन स्टार्टिंग, ए ट्रेन स्टार्टिंग, एस टी ए आर टी आई एन जी, एक ट्रेन है जो कि क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट अटेन ए डबल टी ए आई एन एस, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट अटेन, ठीक है, ए वेलोसिटी ऑफ अटेंस ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। मतलब एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है जो कि 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर चलती है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज, फुल स्टॉप के बाद लिखे एज्यूमिंग द, क्या लिखा, एज्यूमिंग द दैट द एक्सेलरेशन, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, जब पता किया गया तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आया, यूनिफॉर्म आया, ठीक है, इज यूनिफॉर्म। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, यूनिफॉर्म कॉमा लगा दीजिए, आगे लिखे फाइंड, फर्स्ट लिखिएगा, ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, द एक्सेलरेशन, एक तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, सेकेंड थिंग आपको निकालनी है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, फाइनल 72 है, टाइम उसने दे रखा है, बाद में क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो होगा क्या, फाइंड आउट करना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना और उसका डिस्टेंस कितना कवर किया गया, ठीक है, सो इसमें लिखें गिवन डेट, ठीक है, क्या क्या आपको दिया गया है, सबसे पहले यही चीज होती है जो जो आपको दिया जाता है, गिवन डेट, गिवन डेट क्या क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट से, क्योंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, इज दैट क्लियर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा, अब किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं, 1000, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, वन आवर में 60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर लिख दिया मीटर और नीचे लिख दिया मैंने सेकेंड, इज दैट क्लियर, 00 से 00, ठीक है, ये 200, तो कितना हो गया, 20 आ गया, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी इक्वल टू, टाइम टी इक्वल टू कितना मिनट है, 5 मिनट, इसको कीजिए 5 × 60 तो कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड, इज दैट क्लियर, 300 सेकेंड्स आ गया, ठीक है, अब आप आ जाइए एक्सेलरेशन, सो फर्स्ट निकालना है तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है, बी कितना है, 72 को तो चेंज कर लिया था ना, 20, ठीक है, माइनस 0/300 कितना आ जाएगा, 20/300 यानी कि 1/15 कितना आ जाएगा, 1/15, ठीक है, तो एक सेकेंड, 1/15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
इज दैट क्लियर, 1/15 आ गया। ये तो हो गया आपके फर्स्ट, ठीक है, जो उसने पूछा था। अब आ जाओ सेकंड पर, डिस्टेंस वो पूछना चाह रहा है, तो सीधी सी बात है आपको एक फॉर्मूला याद करना है। मैंने तीन फॉर्मूले लिखवाए थे आप लोगों को, एक तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी, ध्यान देना कैसे यूज करते हैं, s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब मैं ये तीन फॉर्मूले हैं मोशन के, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इक्वस टू यू प्लस ए टी, ध्यान देना ये तीनों फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है। मेरे को एक बात बताइए, आप लोग इतने दिनों से साइंस के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, 8 चैप्टर भी काफी आई थिंक 20 डेज से ऊपर का हो चुका है। पहले वाले इक्वेशन में मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन में आपको v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, यही होता है। सेकंड वाले में s का मतलब क्या है, डिस्टेंस, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है, a है और t है। मेरे को ये बताओ आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप ये पुट करना। आपको निकालना क्या है, सेकंड वाले में डिस्टेंस, तो मेरे को ये बताओ फर्स्ट वाले में कहीं डिस्टेंस का जिक्र हुआ है क्या, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं डिस्टेंस का बात हुई है क्या, नहीं हुई, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो लगेगी ही नहीं कैसी भी कंडीशन में, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस तो ना तो बी डिस्टेंस होती है, ना यू होती है, ना ए होती है और ना टी होती है, तो फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको खुद से ही अप्लाई करना है, तीनों में से एक फॉर्मूला आपको लगाना है। आप अंतर्यामी हो नहीं, ना मैं अंतर्यामी हूं, कोई भी अंतर्यामी नहीं है, तो हमें तो यूज करना पड़ेगा ना, हम चीज वो चीज सीख रहे हैं हम। राहुल सर आपको वो फॉर्मूला पुट करना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, तो फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, डिस्टेंस है, इनिशियल है, टी है, ए है और टी है, ये भी लग सकता है और थर्ड वाला भी लग सकता है, दोनों ही इजी है, ज्यादा इजी नीचे वाला है। इसमें भी डिस्टेंस की बात हो रही है, इसमें आपको तीन, इसमें आपको दो ही वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, एक की, इसमें तीन वैल्यू अप्लाई करनी, वी स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकंड, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, इसमें आपको तीन वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, वी यू एंड ए, थर्ड वाली इक्वेशन में, ठीक है, और सेकंड वाली इक्वेशन में आपको यू टी और ए, इसमें भी तीन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपके जो अच्छा लगे वो पुट कर सकते हैं, ठीक है, चलें ऐसे यूज करते हैं और ऐसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन, अब मैं लिख रहा हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, निकालना क्या है, डिस्टेंस, और एस इक्वल टू, ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर को आप इधर भेज दीजिए अपॉन टू ए। अब अप्लाई कीजिए आप लोग, क्या अप्लाई करोगे, वी की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1/15, इज दैट क्लियर। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है, इनटू 1/15 कस टू 400 अपॉन 2 और ये 15 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, ये से गया 200 बार, कितना आया आप लोगों के 3000, ठीक है, कितना आया 3000 मीटर आया, ठीक है, 3000 मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। अब आपके ये कंफ्यूजन है कि सर आपने तो थर्ड लगाया, आप तो कह रहे थे कि सेकंड वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, आप सुन लीजिए सेकंड वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था, तो एस इक्वल टू, देख लीजिए अब सेकंड वाला आपके सामने ही प्रेजेंट किया जा रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 300 सेकंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1/15 और ये कितना है 300 का स्क्वायर करना है। अब देख लीजिए 300 का जब स्क्वायर करोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, 300 को मैं दो बार लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है, ये तो हो गया पूरा 0 प्लस 15 से गया 20 बार, 20 से गया 10 बार, मल्टीप्लाई कर लो कितना गया 3000 इक्वल टू 3000 मीटर और 3 किलोमीटर, इज दैट क्लियर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, यस या नो, ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, ठीक है, एज यू विश।
चलें आगे की तरफ, ये आ गया आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हो चुके हैं। चलें आगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल 8.6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है एक कार है जो एक्सेलरेट हो रही है, तो लिखिएगा एक कार एक्सेलरेट्स, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी एस, एक कार एक्सेलरेट्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर की जो उसका एक्सेलरेट हो रही है, और कहां से, फ्रॉम 18 से, और कितनी बढ़ गई वो 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर से वो हो गई 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितने सेकंड में, इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में ही इतना वो बढ़ गई, ठीक है, 5 सेकंड्स। आगे कह रहा है कैलकुलेट करना है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट, अब फर्स्ट आप कैलकुलेट कीजिए, एक तो निकल रहा है एक्सेलरेशन, फर्स्ट तो पूछ रहा है वो एक्सेलरेशन, ठीक है, फर्स्ट पूछ रहा है एक्सेलरेशन एंड सेकंड निकालिए, फर्स्ट कह रहा है एक्सेलरेशन एंड सेकंड पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, सेकंड लिखिए आप डिस्टेंस, ठीक है, सेकंड लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, सेकंड कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, ठीक है, यानी कि फर्स्ट तो कह रहा है वो एक कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 5 सेकंड में, आगे कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो डिस्टेंस निकालो, आ जाइए आंसर पर, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या गिवन डेट है, ठीक है, जो भी आपको गिवन डेट है, जो गिवन है वो लिख लीजिए, सबसे पहले आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज दैट क्लियर, फाइनल वेलोसिटी वी कितनी है, एक सेकेंड, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, अब इसको आप कैंसिल कीजिए, इसको बदलिए आप, तो 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो डायरेक्ट आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज दैट क्लियर, 36 को भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 5 × 2 = 10 मीटर पर सेकेंड, इज दैट क्लियर, ठीक है, आगे चलें, टाइम दे रखा है टी इक्वल टू कितना 5 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट तो पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लगाइए एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, कितना हो जाएगा वी 10 माइनस यू की वैल्यू 5/5, ठीक है, यानी कि 5/5 कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर एक सेकेंड, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान रखना 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां जहां एक्सेलरेशन वहां यूनिट सही कर लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड वाले पे चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है सेकेंड वाला, वो डिस्टेंस पूछ रहा है, सेकेंड वाले में क्या पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दें डिस्टेंस, ठीक है, एस इक्वल टू, अब देखिए यहां पे भी तीन कंडीशन आ गई, बता देता हूं मैं आपको, यहां पर भी तीन कंडीशन आ जाएगी, कैसे, तीन इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, आपसे पूछना चाह रहा है डिस्टेंस, आपके पास यू है वी है और ए है, कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, पिछली बार मैंने ये वाला तो लगेगा ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस की बात हो ही नहीं रही, बच्चे दो फॉर्मूले चाहे ये लगा दें, ये लास्ट वाले में ये लगाया था, अब मैं ये वाला पुट कर रहा हूं, ठीक है, एस वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो एस इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5, ठीक है, टाइम कितना है 5 प्लस, टाइम भी 5 सेकेंड्स है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1,
टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एस इक्वल टू 25 प्लस 25 अपॉन 2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 25 अपॉन 2 यानी कि 75 अपॉन 2 यही आएगा। और इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 37.5 मीटर, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 8.7, ठीक है। लिखिएगा द ब्रेक्स, 8.7 लिखिएगा, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, अप्लाइड टू ए कार, एक कार पर ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करता है टू द मोशन फुल स्टॉप, ठीक है, टू द मोशन। आगे देखिए, टू द मोशन के बाद लिखिए, इफ द कार टेक्स टू सेकेंड्स, यदि कार 2 सेकेंड का टाइम लेती है टू स्टॉप आफ्टर द, ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, BREAKS, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिए कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। एक कार है, आंसर पे आ जाइए, एक कार जिस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, तो देख लीजिए पहले आपको जो दे रखा वो लिख लीजिए, गिवन डेट, ठीक है, क्या क्या आपको दे रखा है, क्या गिवन कर रखा है, एक तो एक्सेलरेशन। मेरे को ये बताओ, कार पर जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन लिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान देना एक वर्ड लिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन का, मतलब है एक्सेलरेशन जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस और लगाना है आपको, इज दैट क्लियर, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू कितना है, 2 सेकेंड्स है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रेक लगा देता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब सो इक्वेशन लिखिए, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वाली इक्वेशन इसमें लगेगी, लगा दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा, यू इक्वल टू 12, ठीक है, आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन अब आप देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, वो डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पहले इनिशियल वेलोसिटी की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे जरूरत थी तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² तो s इक्वल टू u की वैल्यू 12, t की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो s इक्वल टू कितना आ गया 24 प्लस ये से कैंसिल -3 × 4, ठीक है। तो s इक्वल टू 24 माइनस 12, ठीक है, तो कितना आ गया 24 में से 12 गए तो
12 मीटर, तो आंसर आ गया 12 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, थस द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। बुक के एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं, अब बुक के पीछे के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।